केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सीटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। मेरठ के पोर्ट सांसद रहे शाहिद अखलाक के बेटे दानिश अखलाक पर दिल्ली की हिंदू युवती ने होटल क्रो में रेप का आरोप लगाते हुए सनसनी फैला दी है। शुक्रवार को पीड़िता मेरठ के एसएसपी से मिली और आरोपी के खिलाफ प्रार्थना पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की। दिल्ली की रहने वाली हिंदू युवती शुक्रवार को एसएसपी से मिलने पहुंची। मीडिया को युवती ने बताया कि कुछ दिनों पहले इंस्टाग्राम पर उसकी दोस्ती मेरठ के रहने वाले दानिश अखलाक नाम के युवक से हुई। दानिश ने खुद को पूर्व सांसद शाहिद अखलाक का बेटा बताया था। दानिश ने खुद को अविवाहित बताया था। दानिश ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर उसे मिलने के लिए 22 अगस्त को मेरठ के दिल्ली रोड स्थित क्रोम होटल में बुलाया। साथ ही मैनेजर का मोबाइल नंबर देते हुए कहा कि वहां पहुंचकर इस नंबर पर बात कर लेना। वहां मैनेजर ने बिना आईडी आदि लिए उसको एक कमरे तक पहुंचा दिया। यहां दानिश ने शराब पीकर उसके साथ रेप किया। बाद में नहाते समय होटल के बाथरूम में उसकी अश्लील वीडियो भी बना ली। ऐसा करते हुए उसने दानिश को देख लिया। उसने मौका पाकर दानिश के मोबाइल से वे वीडियो डिलीट कर दी। उसके मोबाइल से ही पता चला कि दानिश शादीशुदा और एक बच्ची का बाप है। मोबाइल में अन्य हिंदू युवतियों के साथ भी उसके तमाम फोटो कैद हैं। तमाम अश्लील चैटिंग दानिश ने कर रखी है। पीड़िता ने एसएसपी से मिलकर दानिश के खिलाफ प्रार्थना पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। सुनिए क्या बताया पीड़ित युवती ने। कहाँ के रहने वाले? दिल्ली की। आज एसएसपी ऑफिस आई हो, क्या पूरा मामला है? सर, मामला ये था कि मैं एक लड़की से इंस्टा पे बात कर रही थी। उसने पहले मैसेज किया था, हमारी थोड़ी बहुत बात होने लगी। वो दिल्ली भी आया मुझसे मिलने। उसके बाद सर हम मिले जुले, उसने काफ़ी ज़्यादा यकीन दिलाया कि हाँ, मैं इतने अच्छे परिवार से, उतने अच्छे परिवार से, आप आओ मुझसे मिलने, हम अच्छी जगह घूमेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। तो उसके विश्वास करके मुझसे मिलने आई मेरठ। पर उसने मुझे उससे पहले अपने होटल पे बुलाया और ना वहाँ पे कोई आईडी ली गई मेरी, ना कुछ ली गई। सीधा ही मैनेजर लेके आया, उसने रूम में छोड़ दिया। उस बंदे ने वहाँ पे ज़बरदस्ती करी मेरे साथ, रेप पे भी रेप किया। और फिर उसके बाद जब मैंने देखा, उसका इंस्टाग्राम चेक किया एक बारी, मेरी बैठ के मैं देख रही थी सर, उसमें एक औरत और एक बच्ची की फ़ोटो थी और ऊपर लिखा हुआ था, कैप्शन में ऊपर लिखा हुआ था कि माई डॉटर, ये लिखा हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा कि आप सिंगल है या फिर आप शादीशुदा है। तो उन्होंने तब भी झूठ बोला मुझसे कि मैं नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मैं सिंगल हूँ, मैं सिंगल ही रहता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो नहीं हूँ। पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था। क्या नाम है जी? उसका नाम है दानिश अखलाक। तो मेरठ का ही रहने वाला है वो। उसने काफ़ी ज़्यादा बोला, उसने बोला मैं सिंगल हूँ। वो शुरू से मुझसे यही बोलता हुआ आया था कि मैं सिंगल हूँ, मैं सिंगल हूँ, मैं सिंगल हूँ। उसने एक बार भी ये नहीं मुझे बोला कि मैं शादीशुदा हूँ या फिर और भी कुछ हूँ, मैंने उसको बिल्कुल नहीं बताया। फिर बाद मैंने सर से कॉन्टैक्ट किया इस चीज़ के बारे में, मुझे पता चला कि वो सिंगल नहीं है, वो शादीशुदा है। और जब मैंने उसको ये चीज़ कन्फर्म की तो उसने डायरेक्ट कह दिया कि अब मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बात करने की ज़रूरत नहीं, मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया, कहीं से भी बात नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं। तो कप्तान साहब के पास होते हैं, क्या सोचें? सर, मैंने 23 को दिया था एप्लीकेशन अपना, 3 दिन हो चुके हैं आज, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है फिलहाल के लिए। तो आज मैं उसी के लिए आई थी यहाँ पे, तो अभी तो कुछ नहीं हुआ है। हाँ सर, ये प्रकरण ये है कि एक लड़की है दिल्ली की, अभी 2 दिन पहले वो मेरे संपर्क हुआ कि उस लड़की की इंस्टाग्राम पर मेरठ निवासी दानिश कुरैशी नाम के लड़के ने बातचीत की। बातचीत में उनकी प्रेम मोहब्बत में बातें होने लगी। लड़का उससे मिलने दिल्ली गया और लड़के ने बातचीत में उसको ये बताया, मैं सिंगल हूँ और आपको पसंद करता हूँ। वहाँ दोनों बैठे, साथ घूमे। उसके बाद उस लड़के ने लड़की को 22 तारीख को मेरठ बुलाया होटल क्रोम में, ये कहते हुए कि मेरा अपना होटल है और वहाँ इनकी कोई आईडी नहीं लगती है,
लड़की को रूम में ले जाता है, रूम में ले जाकर जबरदस्ती लड़की के साथ रेप किया गया। उसके बाद लड़की ने वहीं देखा उसके फ़ोन में जो चेक कर रही थी कि उसका किसी महिला के साथ और एक बिटिया के साथ फोटोग्राफ है और एक पोस्ट है। उसने उससे कहा कि ये आप तो मैरिड हो, ये कैसी आप मेरे से झूठ क्यों बोल रहे हो। तो उसने तब भी यही कहा कि हाँ मैं सिंगल हूँ, ये गलत है, मैं मैरिड नहीं हूँ। लेकिन लड़की ने ये को पता लगा कि वो मैरिड होते हुए और कई और हिंदू लड़कियों से ऐसी ही बातें कर रहा है अपने फोन में। तो कहीं ना कहीं माना जाए पूर्व सांसद का बेटा है और मुस्लिम है, हिंदू युवतियों को अपनी जाल में फंसाता है, क्योंकि उस लड़की ये बता रही है कि मैंने फोन में देखा कई लड़कियों से और भी बातें करता है वो। फादर का क्या नाम है? हाँ, लड़की ने जो मुझे बताया उसने बताया था उनके फादर का नाम शाहिद अखलाक है और ये कहा जो यहाँ के पूर्व सांसद हैं हमारे मेरठ के। हमने 23 तारीख को मैंने SSP साहब के यहाँ लड़की को पेश करके तहरीर दी थी, जिस पर SSP साहब ने मिले थे वहाँ। हाँ, SSP साहब ही मिले थे हमको और उन्होंने एप्लीकेशन को साइबर सेल के लिए भेजा हुआ है। आज हम दोबारा मालूम करने गए थे कि हमारी प्रार्थना पत्र पर आगे क्या हुआ और तो हमें आज शाम तक का समय दिया गया है। तो अभी तक कोई कार्रवाई इसमें नहीं की? अभी तक कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से उचित कार्रवाई इसमें नहीं की गई। अगर कार्रवाई नहीं करती है पुलिस तो आप क्या करेंगे? अगर कार्रवाई नहीं करती है हम इसे क्या नाम है और अधिकारियों से मिलेंगे, फिर कोर्ट की शरण लेंगे। क्या कोई हिंदू संगठनों से किसी से बात नहीं? अभी किसी से हमारी कोई बातचीत नहीं है। सचिन सिरोही मेरठ से। देखिए, दिल्ली की रहने वाली लड़की है और शाहिद अखलाक जो है सांसद, पूर्व सांसद और पूर्व मेयर भी रह चुके हैं मेरठ के, बसपा में फिलहाल। तो मेरा कहना तो यह है कि उनका जो बेटा है, अभी लड़की ने इंस्टाग्राम के माध्यम से दोस्ती की, उसके बाद होटल पर ले जाया गया, होटल पर ले जाने के बाद उसकी जो है अश्लील वीडियो बनाई गई और इस तरीके का कृत्य जो एक सांसद का बेटा कर रहा है। और ये पहला कृत्य नहीं है इस परिवार का। अगर आप चरित्र उठा के देखेंगे तो 1990 से उठा लीजिए, जब शाहिद अखलाक मेयर नहीं थे, MP नहीं थे, जब से उठा लीजिए इसी तरीके का चरित्र इस परिवार का रहा है। उनके पिताजी के जो भाई हैं वो भी, और आज उन्हीं की औलाद इसी तरीके का कृत्य कर रही है हिंदू लड़कियों के साथ। और इसके साथ साथ पुलिस यहाँ की अगर कार्रवाई नहीं कर रही है, मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है, वो एक हिंदू की बेटी नहीं पूरे भारत की बेटी है। और देश के अंदर मैं कह रहा हूँ सांसद हो, विधायक हो, बड़े बड़े मंत्रियाँ जेल चले गए, तो ये मैं कह रहा हूँ इस तरीके का कृत्य इससे पहले भी। अभी तो ये लड़की का मामला लव जिहाद ये खूब चल रहा है और बड़े स्तर पे चल रहा है, काफ़ी वीडियोस मैं कह रहा हूँ। इसके अलावा और भी कई लड़की हिंदू लड़कियाँ इसकी गिरफ्त में होंगी। इस लड़के की पूरी जांच होनी चाहिए, पूरा प्रकरण में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जेल जाना चाहिए, सख्त कार्रवाई इसके खिलाफ होनी चाहिए। दो दिन पहले पुलिस और प्रशासन का तो जहाँ ऊँचे लोगों का बात आती है ना, वहाँ वो चीज़ जो है, वो लड़की दिल्ली से आई थी पहले, तो यही उसका जो है खामियाजा भुगत रही है कि वो दिल्ली से आई। अगर वो मेरठ की होती तो कितना बवाल हो रहा होता है यहाँ पे। इसलिए दिल्ली की लड़की है, उसको टरका दिया गया, मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जांच बाद में होनी चाहिए, पहले FIR होनी चाहिए इसके अंदर। और पहले भी इसी लड़के ने पहले यहाँ पे जो है सिविल लाइन थाने में वो गन के साथ पकड़ा गया था, फिर वो टॉय गन दिखा दी गई थी यहाँ मेरठ पुलिस द्वारा। और पुलिस मेहरबान रहती है पहले यही जो है गनर का मामला भी इनका ही था, इनके परिवार का था, दिल्ली इनको गनर मुआयना कराया गया था शादी में जब लेके गए थे वो। तो इस तरीके से सख्त कार्रवाई होने, सांसद हो, विधायक हो, माननीय मुख्यमंत्री जी का शासन है पूरे उत्तर प्रदेश में और योगी जी न्याय देंगे, इस मामले में पूरा न्याय होगा और जितनी वीडियोस हैं उसके पास सारी जांच होंगी, पड़ताल होंगी, जितने भी मामले हैं सब पे सख्त कार्रवाई होगी इसकी। पूरा परिवार इनका शुरू से ही इतिहास उठा के देख लीजिए, कहीं ना कहीं चरित्रहीन रहा है और इसके ये मैं नहीं, ये पूरा मेरठ बता देगा इस चीज़ के लिए। इस बारे में जब शाहिद अखलाक का पक्ष जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन काट दिया। इस खबर में बनी रहेगी हमारी नजर। खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए firstbite.tv और हाँ, अपने इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। वर्तमान अकेडमी एन इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लासेस फ्रॉम नर्सरी टू 12th, स्मार्ट क्लासरूम्स, वाईफाई कंप्यूटर लैब, एडवांस्ड मैथ्स एंड साइंस लैब्स, वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी, बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर गेम्स, योगा एंड म्यूजिक। वर्धमान अकेडमी, रेलवे रोड, मेरठ।